subscribe my YouTube channel Technical World's King. हेलो दोस्तों, मैं हूं किशन जीराज और आप लोग देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल टेक्निकल वर्ड्स की। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अपने फ़ोन का जो है पूरी तरह से बैकअप कैसे ले सकते हैं, यानी कि रिस्टोर कैसे कर सकते हैं। तो रिस्टोर बैकअप लेने के लिए दोस्तों हमको करना क्या होगा कि आप लोग देख रहे होंगे आपके मोबाइल में जो है लगभग ये एप्लीकेशन होगा और लगभग सभी जो है फ़ोन में होता है डिफ़ॉल्ट, जिसका नाम है ड्राइव, गूगल ड्राइव। तो दोस्तों, हम लोग जब ईमेल आईडी बनाते हैं तो हर एक ईमेल आईडी के साथ में हमको 15 GB क्लाउड स्टोरेज जो है गूगल देता है, गूगल ड्राइव के रूप में। तो दोस्तों, इसको हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे देखिए जो है हमने काफ़ी सारे जो है फोल्डर्स बनाए हैं अलग अलग नाम से। तो इसमें अगर आप जाएंगे, एक भी अगर फोल्डर पे क्लिक करते हैं आप, जैसे मान लीजिए मैं ये सैड सॉन्ग है तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ। तो इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आप लोगों को जो है बहुत सारे सॉन्ग्स देखने को मिल जाएंगे जो कि मेरे फ़ोन के हैं, मेरे एसडी कार्ड के हैं, और इनको मैंने बैकअप के रूप में जो है गूगल ड्राइव में अपलोड करके रख दिया है ताकि जब भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी या मेरा मोबाइल फॉर्मेट हो जाएगा या मेरा एसडी कार्ड करप्ट हो जाएगा या फॉर्मेट हो जाएगा किसी वजह से, तो भी मैं इनको आसानी से रिकवर कर सकता हूँ। उसके बाद में मान लीजिए अगर हमारा फ़ोन खो जाता है तब भी मैं उस ईमेल आईडी और पासवर्ड को किसी दूसरी डिवाइस पे भी लॉगिन करके अपने इस डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर सकता हूँ। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने जो है भोजपुरी के जो डीजे सॉन्ग्स हैं ये है, उसके बाद में सैड सॉन्ग्स हैं और मैंने कुछ कैप्चर स्क्रीन को कैप्चर किया हुआ है, फ़ोटो यहाँ पर है और यहाँ पर अलग अलग तरह के जैसा कि आप लोग देख रहे हैं डॉक्यूमेंट हुआ और जिफ वीडियो हुआ, गूगल फोटोज हुआ, हिंदी MP3 सॉन्ग हुआ। उसके बाद में यहाँ पे दोस्तों मैंने कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी रखी है, HTML स्क्रिप्ट वगैरह। उसके बाद में यहाँ पे फोटो का फोल्डर है, फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की यहाँ पर मैंने जो है फोल्डर बना करके रखा है जिसमें बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। तो इस तरह से मैंने जो है अलग अलग तरह से फोल्डर बना करके रखा है बैकअप लेने के लिए। तो दोस्तों, हमको करना क्या होगा, इस तरह से अगर हम बना के रखते हैं तो जब हमारा फ़ोन खो जाएगा तो सिंपली हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे हम लोग डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे तो मतलब तीन ऑप्शन पे यहाँ 3 डॉट से क्लिक करने के बाद में हम लोग यहाँ डाउनलोड पे आएंगे और इसको डाउनलोड कर सकते हैं और ये हमारा डॉक्यूमेंट पूरी तरह से हमारे फ़ोन में फिर से आ जाएगा रिस्टोर होके। तो दोस्तों, गूगल ड्राइव को यूज कैसे करते हैं और गूगल ड्राइव के बारे में मैंने पूरी तरह से जो है कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है जो कि मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप लोग उसको देख लीजिएगा। उसके बाद में दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि ये एप्लीकेशन भी आप लोगों के फ़ोन में होगी गूगल फोटो के नाम से, आप लोग इसको देख लीजिए। या फिर सिंपली आप लोग जो है यहाँ जाएंगे, प्ले स्टोर में जाएंगे, मेरे फ़ोन में तो नहीं था तो मैं जो है इसको डाउनलोड किया हूँ, तो गूगल फोटो को सर्च करेंगे तो यहाँ पे जो है ऐसी एप्लीकेशन आएगी आप लोगों के सामने और यहाँ पे इंस्टॉल लिखा हुआ आएगा तो इस पर क्लिक करके आप लोग इंस्टॉल कर लेंगे। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है इसलिए यहाँ पे ओपन का ऑप्शन आ रहा है। तो आइए हम लोग बैक चलते हैं अपने होम स्क्रीन पे। होम स्क्रीन पे जाने के बाद में दोस्तों आप लोगों को मिल जाएगा यहाँ पे गूगल फोटो, इस पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, क्लिक करने के बाद में ये देखिए किस तरह से दिखाएगा ऑप्शन। यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे लिखा है डू नॉट बैकअप, तो हमको बैकअप लेना है तो टर्न ऑन बैकअप, यानी कि बैकअप को जो है ऑन करके रखेंगे। तो जो बैकअप हम लेना चाहते हैं दोस्तों, वो यहाँ पे ओरिजिनल क्वालिटी, हाई क्वालिटी और एक्सप्रेस क्वालिटी, यानी कि तीन तरह के देखेंगे। तो हम लोग यहाँ पर हाई क्वालिटी पर सिलेक्ट करके रखेंगे। उसके बाद में आप जो है डेली सेल डाटा लिमिट जो है कितना करना चाहते हैं तो अनलिमिटेड कर देंगे। उसके बाद में यहाँ कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। कंफर्म पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे जो है देखिए किस तरह से हमको कुछ दिखा रहा है, तो इस तरह से आप लोग जो यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे ये आपका मार्गदर्शन ये करेगा किस तरह से आपको करना है, वो सब चीज़ टोटल दिखाएगा। उसके बाद में यहाँ पर फाइनली आपको डन पे क्लिक कर देना होगा कि डॉक्यूमेंट पूरी तरह से
क्लियर हो गया। उसके बाद दोस्तों हम लोगों को करना क्या रहेगा कि जब भी हमको कोई भी नया डॉक्यूमेंट जो है अपलोड करना रहेगा तो यहाँ पे एल्बम पे हम आएंगे। एल्बम पे आने के बाद में दोस्तों यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख रहे हैं लगभग कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो कुछ भी आप इसमें जो है ओपन करेंगे, इस एप्लीकेशन को ओपन करते ही जैसे आपके मोबाइल में कोई भी नया फ़ोटो या कोई भी नया डॉक्यूमेंट आया होगा तो ये ऑलरेडी जो है एक्सेस कर लेगा ऑटोमेटिक, उसके बाद में ये खुद से जो है अपलोड कर देगा। जैसे कि यहाँ आप लोग देख रहे हैं मैंने किया है तो ये बैकिंग अप जो है दिखा रहा है, यानी कि जो मेरी जो गैलरी है पूरी तरह से ये मेरी पूरी गैलरी को एक्सेस कर रहा है। तो एक्सेस करने के बाद में ये खुद ये एप्लीकेशन जो है अपने क्लाउड पे जो है अपने सर्वर पे ये सेव कर लेगा गूगल के, तो जिससे मैं जब भी जो है बैकअप लेना चाहूँगा तो इसको मैं डाउनलोड करूँगा। डाउनलोड करने के बाद में यहाँ पे आप लोग काफ़ी कुछ देख सकते हैं, तो इसको मैं डाउनलोड करने के बाद में ओपन करूँगा अपनी ईमेल आईडी डाल करके। तो जैसे ही ओपन होगा ये तो इसे तुरंत जो है हमारा डॉक्यूमेंट इसमें साथ सारा दिखने लगेगा, फ़ोटो वगैरह जो कुछ रहेगा। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छा जो है फीचर्स है इस एप्लीकेशन का। उसके बाद दोस्तों ये काफ़ी अच्छा तरीका है बैकअप लेने का जो है हमें अपने फ़ोन का, तो इस तरह से आप लोग जो है बैकअप ले सकते हैं अपने फ़ोन का दोस्तों। और दोस्तों मैंने ये वीडियो खुद से नहीं बनाई, मेरे एक व्यूअर्स ने जो है रिक्वायरमेंट किया था कि सर आप जो है फ़ोन का बैकअप लेने के लिए जो है बताइए, क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाया है व्हाट्सएप का जो है बैकअप लेने के लिए पूरी तरह से, तो उसका भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा और सीख लीजिएगा कि व्हाट्सएप का जो है बैकअप पूरी तरह से कैसे लेते हैं। और दोस्तों गूगल फोटो का और गूगल ड्राइव का भी लिंक मैं एप्लीकेशन लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसको भी आप लोग वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, वीडियो पर प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा।